पहला चीज केयर कीजिएगा, जो चीज ना समझ में आए यहां से ले जाना नहीं है, मतलब जब तक ना समझ में आए छोड़ना नहीं। ये नहीं होता, बहुत सारी जगह होता क्या, पढ़ लिया अच्छा घरे जाके समझेंगे, अच्छा फिर से वीडियो देख के समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो अभी नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अभी जो काम करने आए एकदम लिखित है, लिख लीजिए, जो अभी नहीं वो कभी नहीं, मतलब आज नहीं सही होगा तो कल कदापि सही होने वाला नहीं है। आपके पास आज है, कल किसी के पास होता नहीं है, विद्यार्थी के पास तो कल होता ही नहीं है। मतलब जो भी करना है क्या करना है, आज ही करना है, अभी करना है। अर्थात अगर हम पढ़ाए तो उसको ध्यान रखना है कि मुझे अभी समझ के ही जाना है। और आप लोग को एक बार नहीं, चार बार नहीं, दस बार आप पूछ के देखें, कभी कलाल पूछ के देखिएगा, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, मेरे पास तरीके की कमी नहीं है। चिड़चिड़ाता वो है, गुस्से में आता वो है, जो एक ही नियम जानता है। आप पूछे लगते हैं सर ना समझ में आ रहा था, गुस्सा वर्ता कहता बैठो बाद में बात करना, बोलता है या नहीं बोलते है? हमारे यहाँ आज तक जितनी भी क्लास चली है, किसी से जो बैच लास्ट हो गया है उससे भी आप पूछ के देखेंगे कि क्या मैंने किसी को बोला है बैठो, मैंने कभी नहीं बोला है। हाँ बैठो बोलते है कब, जब बोलता है आउट ऑफ सिलेबस की बातें करने लगता है। आउट ऑफ सिलेबस की बातें क्या करता है, है ना। अब आएगा पूछेगा सर हमरो शादी होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, यार बैठे सब बात करने की चीजें नहीं है। हम आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास जिस काम के लिए आए विद्यार्थी जी वो काम सही होना चाहिए, बाकी कुछ भी सही होने वाला नहीं है। बाकी हर एक चीज अगर सही करना चाह रहे हैं ना तो कोई भी चीज सही नहीं होगा। मम्मी का काम मम्मी करेंगे और पापा का काम पापा। आप अपेक्षा क्या कर लेते हैं कि पापा मम्मी जैसा प्यार करें, मम्मी पापा जैसा डांटें, ये संभव नहीं है। अक्सर लोगों को की समस्याएं ही होती है, जो मम्मी जो दे रही है वो पापा में लोग खोजते हैं, जो पापा दे रहे हैं वो मम्मी में लोग खोजते हैं, जो घर में बीवी दे रही है वो बाहर वाली के पास खोजता है, और जो बाहर वाली देता है वो घर वाली के पास खोजता है। परेशानी, दुनिया इसी में पागल है। तो ध्यान रखना क्या है कि मुझे जो जरूरत है वो चीजें यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप अपेक्षा करके क्या आते हैं कि सर से जाए बहुत अच्छा से बात करें, यार अच्छा से हम बात करेंगे तो तू होमवर्क नहीं बनाएगा, नहीं समझे। तो हम लोग भाई विद्यार्थी जैसे जगह पे हैं, मुझे भी चाहिए यार आप आए हैं तो ना आपका मुझे जात का पता, ना आपके धर्म का पता, ना आपके गांव का पता, फिर आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं होती है। लेकिन जब तक फुफकार नहीं मारेंगे तब तक होमवर्क भी बनने वाला, और होमवर्क नहीं बनेगा तो रिजल्ट भी होने वाला नहीं है। हम कितना अच्छा भी पढ़ा दे रिजल्ट होने वाला नहीं है। रिजल्ट तभी होगा जब आपका होमवर्क होगा, होमवर्क तभी होगा जब आपके प्रेशर होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे गुलेल देखे होंगे है ना, चिड़िया मारने वाले बंदूक देखे होंगे, बहुत सारा देखे होंगे। मान लीजिए एक बंदूक का स्थिति देखते हैं, बंदूक भी होता है उसमें कारतूस गोली भी भरा हुआ रहता है, क्या पक्षी का शिकार हो जाएगा? शिकार होने के लिए क्या चाहिए, उस पर एक बाहरी फोर्स काम करता है, करता है कि नहीं करते है? हाँ या ना, उस बंदूक पे क्या करता है, एक बाहरी फोर्स काम करता है, तब पक्षी का शिकार होता है, पशु का शिकार होता है, यस या नो? तो ध्यान दीजिएगा, हर एक में एक गुण लागू होता है। अगर आप पे कोई बाहरी फोर्स न काम करे ना तो विश्वास कीजिए क्लासरूम आने की भी जरूरत आपको नहीं है, लगे चलो आज भर आराम है जी। तो फोर्स क्या काम किया आपके, अगर ना गए तो मम्मी पापा इतना मेहनत किए हैं उनके लिए हम क्या कर पाएंगे। बहुत सारी बातें होती है, कोई भी बंदा अपने लिए नहीं जीता है, विश्वास करो आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते। अगर जिस दिन लगे कि मुझे अपने लिए पढ़ना है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, तो जिंदगी तो कट रहा है, लेकिन पढ़ता क्या अपने लिए नहीं, अपनों के लिए पढ़ता है ना, कि कल आने वाला समय जो होगा हमारे माँ बाप जो होंगे बहुत शरीर से कमजोर हो जाएंगे, जो हमारे लिए इतना मेहनत किया है, 14 साल 16 साल कष्ट किया है, क्या उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है? ये सारी बातें सोचकर बंदे क्या करता है, पढ़ाई करना चालू कर देता है ना। बहुत सारे लोग कुछ कारण होते हैं कि अच्छा फलनमा जो है हमारा पापा उससे गरीब थे इसलिए ऐसा बोला, रुक हमें ऐसी कुर्सी पे जाएंगे कि उससे बड़ा आदमी बन के दिखाएंगे। बहुत सारी बातें होता है, तब वो कुछ जज्बा आता है तो आदमी काम करना चालू करते हैं। तो बाहरी फोर्स हमेशा काम करता है, अगर बाहरी फोर्स ना काम करे तो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा है ना,
कोई भी वस्तु जब गति में रहता है, गति में रहना चाहता है, विराम में रहना चाहता है, तो विराम अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स पड़े ना। तो दुनिया में हर एक बंदा के गुण होता है कंफर्ट जोन में जाके आराम करना। कंफर्ट जोन सबका होता है, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन होता है। किसी का कंफर्ट जोन होता है विद्यार्थी जी मोबाइल मिल गया टिक 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 करते रहना, किसको मन करता है कि किताब कॉपी लेके पढ़े, हाँ या ना? किसे नहीं मन करता है कि चार मित्रों के साथ बैठ के हाहा ही करते रहे, फिर शाम में खाना मिल जाए, फिर सुबह आराम से मिल जाए, फिर जे चाहे जने जाए, नया शर्ट पर खरीदे वो भी मिल जाए, हाँ ना? अपने आप एटीएम में लाख दो लाख महीना में आते रहे तो कोई पढ़ेगा? ईमानदारी बताओ, नहीं पढ़ेगा। पढ़ना क्यों पड़ता है कि अगर ना पढ़ेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो विद्यार्थी क्या करता है, मेहनत करता है। तो दुनिया का हर एक बंदा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, लेकिन विद्यार्थी जी आपका गुण यही होना चाहिए आप भी कंफर्ट जोन में जाएंगे, लेकिन कितना जल्दी उस जोन से निकल जाते हैं उस पर सोचना है, है ना? तेंदुलकर उस दिन तेंदुलकर, आज तेंदुलकर नहीं बन गया। अगर तेंदुलकर की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो पहली बॉल में उसे ऐसा चोट लगा था ना कि उसके लिए स्ट्रेचर लेके चला गया था, सही है कि भाई जाओ? उठता है, सोचता है कि अभी जा रहा है, जा रहा है, सब लोग सोच लिया, बोला नहीं हमको जाना नहीं, अभी हमको खेलना है। और वो भारत पाकिस्तान का मैच था, और अगले बॉल में वो बॉलर के आंख में आंख मिला के चौवा घींच दिया था, उसी दिन उन्होंने तेंदुलकर हो गया था। लेकिन अब आप सोचेंगे कंफर्ट जोन तो था यार, कोई बात नहीं, हमें तो चोट लग गया, हमको क्या कहेगा, फिर बाद में आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मौका दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको जिंदगी दोबारा नहीं जीना है, ये जिंदगी कोई कुछ करना है। तो हर एक आदमी कंफर्ट जोन में जाता है, विश्वास कीजिए। हमारे भी बैचेज 12 बजे खत्म हो जाती है, घर में जाके 12 से 3 आराम कर सकते होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे आए होंगे बीच में देखे होंगे, हम किताब कलम लेके कुछ करते रहते, इसके लिए नहीं करते हैं। मुझे भी एक बाहरी फोर्स काम करता है कि अगर हम आगे हमारी हमारा जो है कंटेंट अच्छा ना रहेगा तो कल आप मेरे यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे जी, हमें भी तैयार करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कंफर्ट जोन में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना? अभी कष्ट कीजिए और दुनिया का हर एक चीज आप पा सकते हैं। तो खैर छोड़िए, हम लोग अपनी बातें कर लेते हैं। तो मेरा कहना यही था कि आपको हर हालत में ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें आपको मन करे पूछने का बेहिचक पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बेकार की चीजें मत पूछा करेंगे, है ना? शादी होगा कि नहीं होगा, हमको फलना लायक करता है कि नहीं करते है, है ना? ये सारी चीजें नहीं, और हमारी बड़ाई हम पे नहीं, हमारी बड़ाई आप दूसरों के पास करना, और खदाई जितना जो समझ में आए जल्दी से कर देना। खदाई मतलब समझते हैं ना, अगर आपको कुछ कमी लगे तो तुरंत बोलना भी है ना? एक बच्चे ने बोला है ना, सुबह पढ़ा रहे थे, बोले और एक क्वेश्चन आया था कि एक बंदा का जो है वेतन जो है आय जो निर्भर करता है वेतन पे और टिप्स पे। तो मैंने बोला देखो यार, तू लोग होटल जाता है टिप्स देता है, कभी टीचर को दिया है 1 रुपया की अच्छा पढ़ा दिए चलते हैं, इस महीना ज्यादा 500 रुपया दे देते हैं, कोई नहीं देता होता है ना? एक बच्चा जाके बोला, देने का तो मन करवे करता है लेकिन पर जहना रसीदवा नहीं लावी देना भगा दे हो जे, है ना? मैंने कहा विद्यार्थी जी, मैं भगाता इसलिए नहीं हूं कि आपको मैं पढ़ने से रोक देता हूं, मैं भगाता हूं इसलिए कि आज इस पे तुम्हें भगा दिया तो कल तू एडमिट कार्ड नहीं ना छोड़ेगा, नहीं तो एडमिट कार्ड परीक्षा दिन तू छोड़ देगा। हाँ, तू आई कार्ड हरा रहा है तो तुम्हें 1100 देने में तकलीफ लग रहा है, कल तुम्हारा क्या होगा, तू एटीएम बुला देगा तो हो सकता मम्मी पापा तुमको पढ़ाना ही छोड़ देंगे। और कीमती चीज है, उसे आपका संभालना आपका ड्यूटी है जी। आज बिना छुट्टी लिए 1 महीने गायब हो गए तो पैसा नहीं लेंगे, तो कल आपकी नौकरी लगेगी, तो बिना कुछ कह ले 2 महीना चल जाएंगे बिना मोबाइल। आज ऐसे मोबाइल लेके यहाँ चलाते हैं, बजता है अगर ना डांटे तो कल क्या होगा, कल नौकरी लगेगी और अपने ऑफिसर के पास भी जाएंगे मोबाइल बजते रहेगा। एक दिन एक बच्चे का ऐसा रिंगटोन बजाना कि मुझे कहने में भी शर्म लगता है, कोई बैच में था, मैंने भगा दिया। वो बल्लाख प्रयत्न का, मैंने कहा तो सबसे पहले कसम खा के तुम्हें मोबाइल अब नहीं लानी है, तभी पढ़ाऊंगा, नहीं तो हम पढ़ाने वाले। अब उसे कष्ट तो हुआ होगा कि मुझे क्यों डांट रहे हैं, एक ही तो गलती हुई। अरे भाई आज ही गलती हुई,
कल तुम्हारी इस गलती के कारण तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, तब क्या होगा? तब उस दिन क्या बोलिएगा? आज तक कोई डांट भी नहीं किया इसलिए हमसे गलती हुआ। बोलते हैं आप लोग कि आज तक तो हमको कोई डांट भी नहीं किया, तो ध्यान दीजिए हमारा नेचर ये होना चाहिए आपसे कड़ा रुख रखने वाला। जब आप नौकरी लेके आते तो थोड़ी को आपको डांटते हैं, डांटेंगे क्या? फिर तो मैं भी आपको वही इज्जत करूंगा, मैं भी चाहूंगा कि चलो एक और नौकरी वाला बढ़ा। तो नौकरी लेने के लिए डांट सुनना पड़ेगा। जितना कष्ट मूर्तिकार को होता है, पत्थर को होता है ना, उतना ही कष्ट वो मूर्ति पे जो छेनी और हथौड़ा मारता है ना, उसको भी कष्ट उतना ही होता है। जितना डांटने में आपको कष्ट होता है, आपके मम्मी पापा को भी उतना ही कष्ट होता है कि मैंने आज उसको डांट दिया। और भी आज गिन के, अब तो बच्चे से इतना डरते हैं माँ बाप कि वो गिन के डांटते हैं कि कितना बोले कि जिससे उसको तकलीफ ना हो। विश्वास कीजिए अभी उस एज पे नहीं गए, जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि माँ बाप सोचते रहते हैं कि कब इसको डांटना है। पता है कि आपने गलती कर दिया है लेकिन उस समय नहीं डांटते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि कौन ऐसा समय आएगा इसका मूड सही रहेगा, ठीक से बातें करेगा तो इसको याद दिलाएंगे कि बेटा ये काम करना तुम्हारा गलत था। भले ना अभी बोल देंगे तो गुस्सा में भाग जाएगा। इतने बाप मां डरते हैं आपसे, और थोड़ा सा डांटते हैं तो आपको तकलीफ लगता है, तो डांट तो आपको सुनना पड़ेगा।